नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज खबरची न्यूज में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, खबरची के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हमसे जानना चाहूंगा कि जब आप विधायक थे तब ऐसे कौन से कार्य आपने शुरू किए थे जिसे आप सोचते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये आपकी? क्योंकि अब विधायक निधि के बहुत सारे काम रहते हैं, सामुदायिक भवन रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य रहते हैं, सामाजिक कार्य बहुत सारे करने पड़ते हैं और सभी काम किए। और मैं यहाँ से पार्षद भी रहा हूँ इस क्षेत्र से, दो बार नेता प्रत्येक भी रहा हूँ नगर नियम में। मेरे वैसे सबसे बड़ी अगर उपलब्धि बताएंगे तो मेरे कार्यकाल में जो देवेंद्र नगर का शमशान घाट है उसको मैंने शुरुआत किया था, और सबसे रायपुर के छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा शमशान घाट जो रायपुर शहर का देवेंद्र नगर का बना था, वो आज भी बहुत अच्छा मेंटेन है, बहुत सुंदर मेंटेन है। आज उसको सिंधी समाज के लोग हैं, उन लोग मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं उससे आप संतुष्टि रखते हैं? देखिए, काम तो सतत प्रक्रिया चलता रहता, होता रहता है, ये सब विकास के कार्य हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी शासन रहे, कोई भी विधायक रहे, सतत प्रक्रिया है ये। आपको फंड, विधायक निधि का फंड मिलता है, सरकार रहेगी तो सरकार के कोटे में कुछ ज़्यादा काम हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि इस बार इनके उसमें नहीं है कि जो ये बता सके। पूरे शहर का, उत्तर विधानसभा का, पूरा उत्तर विधानसभा घूमेंगे तो जगह जगह गड्ढे खोद डाला गया है, जगह जगह रोड की 12 बजा दी गई है, कहीं भी एक भी पब्लिक चैन से नहीं चल रही है। पूरे शहर में स्काई वॉक की जहां तक बात लें, पूरे शहर की पब्लिक उसके विरोध में है। पूरे शहर की पब्लिक नहीं जाती, स्काई वॉक करके पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया गया है। कई महीने से रोडों में गड्ढे पड़े हैं, काम उसका बंद पड़ा हुआ है। क्यों बना रहे हैं, उसका बनाने का क्या औचित्य है, आज रायपुर शहर की जनता नहीं समझ पा रही। आने वाले चुनाव में जुनेजा जी, यदि जनता आपको चुनकर लाती है विधायक के तौर पर वापस, तो ऐसा कौन सा कार्य है जिस पे आप सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहेंगे? देखिए, सबसे तो क्या रहता है कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ रही है उत्तर विधानसभा में, तो पानी की समस्या का हल सबसे पहला निराकरण है, मूलभूत सुविधा जो जनता को सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो पानी की समस्या के टाइम मैंने भी जो देवेंद्र नगर के एक टंकी है पहले से, और एक मंडी के पास जो टंकी बन रही है, बन गई है पर अभी तक चालू उसको नहीं कर पाए ठीक से। लोगों, मेरा ही प्रस्ताव था, मैंने विधायक रहते हुए उसको प्रस्ताव भेजा था, आज काम पूरा हो गया, लेकिन अभी तक इनके विधायक की निष्क्रियता करके, उसके बहुत सारी जो जोड़नी है, पाइपलाइन कहाँ कहाँ डालना है, इनकी निष्क्रियता के करके अभी तक आज तक ठीक से शुरू नहीं हो पाया। बीते दिनों आप लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, उसमें मुख्य मुद्दे आपके कौन से शामिल रहे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे आप पूरा शहर देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि रायपुर की राजधानी आंदोलनमय हो गई है। सारे कर्मचारी, जितने भी विभाग के सारे भी कर्मचारी आंदोलन में बैठे हुए हैं, और प्रशासन शासन इनकी कोई सुध नहीं लेता, इनसे कोई बात नहीं करता। आज कई वर्षों से सिपाही लोग, पुलिस वाले जो हैं, जिनकी कई सारी मांगे हैं, जिनको 24-24 घंटा 48 घंटा ड्यूटी देना पड़ता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। सबसे बड़ा दुख लगा जब पूरे छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों की नर्सें धरने में बैठ गई, और उनके साथ जिस प्रकार का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन ने बर्ताव किया है, बड़ा ही निंदनीय बर्ताव है, जितनी निंदा की जाए कम है। क्योंकि वो जो बेटियां नर्सें हैं, जो वो जितना सेवा उन लोग करती हैं कोई नहीं करता। वो लोग कभी नहीं पूछती कौन सी पार्टी के हो, कौन सी जात के हो, कहाँ से आए हो, क्या है हो। अगर आपको तकलीफ है तो सबसे पहले सिस्टर ही आपके लिए उपलब्ध रहती है, और आपके मुंह से भी अगर कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले डॉक्टर नहीं निकलता, सिस्टर निकलता है। उनको जब इतना परेशान किए, इतना तकलीफ दिए, आज मितानी लोग बैठे हुए हैं, पुलिस वाले धरने में हैं, अस्पताल के सारे लोग, इधर देखो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ मुफ्त का सामान बांट के अपने चुनाव जीतना चाहती है, किसी का सही में अगर काम बोलो तो नहीं करना चाहती। जहाँ तक शिक्षा कर्मियों का सम्मिलन किया गया है, और अभी एक विद्या मितान संघ भी जो बहुत बड़ी संख्या में है, आंदोलन पर बीते 18 दिनों से ईदगाह भाटा मैदान में है, आप समर्थन करते हैं उनके आंदोलन का? मेरा पूरा समर्थन है उनको, और कांग्रेस पार्टी भी उनको पूरा समर्थन कर रही है। आप जहाँ पर धरने में बैठते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, इस जगह में धरना स्थल बनाया गया वहाँ पर लाखीनगर, वहाँ पर जब महिलाओं का धरना था, ये हमारे मितानीन बहनें भी हैं, और पहले भी जब वहाँ पर ये शिक्षा कर्मी भी महिलाएं बहनें बैठी हुई थी वहाँ पर, देखिए किसी प्रकार का शासन को तो सबसे पहले सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए वहाँ पर। वहाँ पानी पीने का नहीं है, इतनी गंदगी पड़ा है, कीचड़ पड़ा है, गंदगी में बैठे हैं धरना वाले, और शासन का कोई भी अधिकारी जाके वहाँ देखता नहीं, कोई सुध नहीं लेता। मांग पूरी करने की बात तो बहुत दूर की बात है। विधानसभा अभी हमारे कांग्रेस के आदरणीय भूपेश बघेल जी, टीएस सिद्धो जी सड़क और सदन की लड़ाई बहुत जोर से लड़ रहे हैं। सड़क में भी इनको याद दिला दिया है, और सदन के अंदर में भी इनको घेराबंदी, पूरी तरह से घेराबंदी करके रखे हुए हैं। जहाँ तक अस्पतालों की बात करें प्रदेश के, तो वो प्राइवेट हाथों में चले गए हैं, और वहीं शराब दुकानों की बात करें तो सरकारी खाते में है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराब
बेचना सरकार का काम नहीं था। वैसे भी ये छत्तीसगढ़ सरकार सारे काम खुद अपने हाथ में लेना चाहती है, कोई भी सरकार कभी काम नहीं करती। जिस दिन जो सरकार राजा अगर खुद अपना वहाँ पर काम करने लग जाएगा तो प्रजा का क्या हाल होगा ये आप जान सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की सरकार शराब बेचने में इतनी मशगूल है कि इतना पैसा उन लोगों को आ रहा है तो ये सब जनता के दुख दर्द को भूल चुके हैं। जनता कितनी तकलीफ आ रही है, कहाँ कहाँ इन्होंने शराब दुकान खोला। शंकर नगर में स्कूल से गेट से लगी हुई शराब दुकान खोल दी थी, उसका मैंने और मेरे साथियों ने बहुत जमकर विरोध किया, तब जाके उसको हटाना पड़ा। ऐसी 3-4 दुकानें और जहाँ पर रहवासी रहते हैं, पब्लिक रहती है, उनके बाजू बाजू में दुकान खोला, हमने जम के डट कर उसका विरोध किया और उसको दुकान को अनियंत्रित हटाया वहाँ से। लेकिन जो क्षेत्र के विधायक है उन्होंने कभी भी नहीं, एक बार भी कभी नहीं आया, एक बार भी नहीं बोला कि दुकानें ऐसे हटनी चाहिए या जानी चाहिए। उल्टा मेरे को ऐसा लगता है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो मित्र मंडल, उन्हीं को दिलाया गया था शराब दुकान वहाँ पर खोलकर। जुनेजा जी, जहाँ तक छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विपक्ष में आप हैं, लेकिन जो तीसरा दल एक है जो कि कांग्रेस के रूप में, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में उसका भी कुछ प्रभाव हो सकता है? देखिए, अब राजनीति है, छोटा सा स्टेट है, कहीं ना कहीं किसी का जो भी प्रभाव हो नहीं हो बात अलग है, लेकिन लड़ाई, मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। जो कि कांग्रेस का ये भी कहना रहता है कि अक्सर कांग्रेस जो है वो सिर्फ सीटी की राजनीति में सिमट कर रह गई है, लेकिन जहाँ तक सीजी की राजनीति है उस पर उसका कम ध्यान है। देखिए, कांग्रेस में बताया ना, सदन से लेकर सड़क की लड़ाई बराबर लड़ रही है। अभी 2 दिन पहले पूरा घिरा हुआ, हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर थे, और उसके बावजूद सदन के अंदर भी जो लड़ाई जा रही है, अब देखिए कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सदन में मुख्यमंत्री को और सारे मंत्रियों को घेराबंदी करके रखी हुई है। मंत्री ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे, अब सारे मंत्री फेल है इस मामले में, कोई भी मंत्री ठीक से कहीं पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आपको लगता है कि बीते 18 सालों में कहीं पर तो विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में? हुआ है ना विकास, छत्तीसगढ़ के अंदर में 18 साल नहीं हुए आप बोल रहे हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी को 14 साल हुआ है, और 14 सालों में इन्होंने, इनका बहुत विकास हुआ है। जो जो कार्यकर्ता साइकिल में घूमते तो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो जो इनके कार्यकर्ता, जो इनकी स्थिति इतनी खराब थी और आज उनके बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, ये विकास है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं का विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ का विकास कहीं दिखता नहीं। छत्तीसगढ़ को तो डुबाया, शराब में नशे में मुख्यमंत्री जी ने डुबा दिया। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो विकास के ऐसे कौन से काम होंगे जिस पर सबसे पहले उसका जोर रहेगा? देखिए, सबसे पहला तो इतना बड़ा छोटा सा स्टेट है, इतनी बड़ी राजधानी, आज भी अगर हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है। सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी जो है, इनको, जो जनता की मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। जो कर्मचारी हैं, जो कई वर्षों से सरकार चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सरकार के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए कि उनकी क्या मांगे हैं। उनको मांगों को, जो अगर बैठे हैं अपना घर बार छोड़कर, तो उनकी मांगों के ऊपर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनकी जो मांगे उनको पूरी करना चाहिए। युवाओं के लिए किस तरह से आपकी सरकार हितकारी साबित होगी? युवाओं के लिए तो देखिए, अभी अब बहुत बुरा हाल है, सारे युवा जितने हैं करीब करीब नशे की लत में धीरे धीरे पड़ते जा रहे हैं, और शराब की ऐसी स्थिति कर दी है प्रदेश के अंदर में, इससे अगर हम युवाओं को बचा लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। जुनेजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा जी, जिन्होंने सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि आने वाले वक्त में अगर इनकी सरकार चुनी जाती है तो हर तबके का ख्याल इनकी सरकार रखने वाली है। खबर जी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राकेश के साथ अमित शर्मा, रायपुर। नारायण नारायण।